वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले हम लोग वो सवाल देख लेते हैं जो पिछले रैपिड फायर राउंड में आपसे पूछा गया था। दोस्तों, सवाल था, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने हो तो दर्पण के बीच कितने कोण होना चाहिए, यानी कि कोण का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। दोस्तों, देखते हैं ये n बराबर क्या, n मतलब नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 बाय थीटा। थीटा होता है दोस्तों, ये अगर तो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के बीच का जो कोण है वो क्या होगा, थीटा होता है, -1, ये होता है इसका फॉर्मूला। दोस्तों, अगर n का वैल्यू 3 हो और ये प्लस है माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर 360 बाय थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 360 बाय 4, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर सरकारी बीमा समिति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राकलन समिति। दोस्तों, प्राकलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य सम्मिलित होते हैं, यह एक अस्थायी समिति है। दोस्तों, ये समितियां दो तरह की होती हैं। एक होती है दोस्तों, इसमें यहां देखिए स्टैंडिंग कमिटी है, ये स्टैंडिंग कमिटी क्या होती है, अस्थाई होती है, जबकि एडहॉक कमिटियां टेम्पररी होती हैं। स्टैंडिंग कमिटियों का जो कार्यकाल होता है वह करीब करीब 1 साल का होता है, जबकि एडहॉक कमिटियों का जो कार्यकाल होता है वह उस समय तक चलता है जब तक कि वो फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस कमिटियां में दूसरा प्रकार होता है जिसे सेलेक्ट कमिटी कहते हैं। सेलेक्ट कमिटी में किसी एक ही हाउस यानी कि किसी एक ही सदन के लोग होते हैं, जबकि ज्वाइंट कमिटी में दोनों ही सदन के लोग होते हैं। सेलेक्ट कमिटी का एग्जांपल होगा एस्टीमेट कमिटी, जिसे हम प्राकलन समिति कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, जबकि एथिक्स समिति में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन ज्वाइंट कमिटी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के सदस्य होते हैं, उसका एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमिटी, यानी कि इसे कहते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या फिर भगवान महावीर। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। तो सम्राट अशोक का को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और पूर्वी। तो दोस्तों, भारत अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, जहां पे इधर हम क्या कहते हैं इसको, ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ।
इंडिया हमारा जो है करीब करीब ऐसा दिखता है, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ईस्ट और नॉर्थ। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया, कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा या फिर विजयवाड़ा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बनारस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द किस वर्ष गढ़ा था? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1908। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे सकारात्मक हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ये है, यहाँ होगा लागू। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये कथन असत्य है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, तो दोस्तों याद रखेंगे कब से, 36 से 51 तक उल्लेखित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण बिंदुए हैं, वो हैं नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि न्यायालय इसे लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। फिर दोस्तों देखते हैं केंद्र राज्य तथा स्थानीय सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलभूत आधार हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशकों के समान है। सरकार नियम बताते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखती है, बताते नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा बनाते समय। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार या सरकार नियम बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? अगामा, ब्राह्मण, पुराण या फिर त्रिपिटक? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक। दोस्तों त्रिपिटक का पाली में मतलब होता है त्रिपिटक मतलब बास्केट यानी कि टोकरी, माने ज्ञान की 3 टोकरियां हैं, जिसमें एक का नाम सुत्त पिटका, दूसरा का विनायक पिटाका या और तीसरा है अभिधम पिटाका। दोस्तों सुत्त पिटाका में ये भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन हैं उनका संग्रह है, जबकि विनय पिटाका में गवर्निंग रूल्स हैं, कानून्स हैं, और अभिधम पटाका में ये बुद्धिस्ट धर्म का पालन कैसे करना चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों इस त्रिपिटक को पाली कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको पाली कानून भी कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों त्रिपिटक को पाली कानून भी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टाने, वॉल्केनिक चट्टाने, रूपांतरिक चट्टाने या फिर परतदार चट्टाने?
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक चट्टानें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। रुपे डेबिट कार्ड को किस संस्था ने जारी किया है? डिस्कवर, वीसा, मास्टर या फिर NPCI? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NPCI, जिसे नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर परांतक प्रथम? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, आगरा में, इटावा में या फिर बाराबंकी में? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आगरा में, यानी कि सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। राइबोसोम को साइट फॉर प्रोटोन प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, B12। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या फिर अरल सागर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। दोस्तों अरल सागर लैंड लॉक्ड होता है, इसे सी ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसको सी ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है, इसे सी ऑफ आइलैंड्स इसलिए कहा जाता है कि इस सागर में अबाउट 1100 आइलैंड्स हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। हेपारिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क कोशिका, दंड कोशिका, रक्त कोशिका या फिर अस्थि मज्जा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। दोस्तों हेपारिन एक एंटी कोगुलेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि ये रक्त को जमने नहीं देता है, ये थक्का नहीं होने देता है रक्त को। इसका निर्माण कहां कहां होता है? लंग्स, लीवर एंड बोन मेरो। ठीक है दोस्तों, ये लंग्स यानी फेफड़ा, लीवर यानी यकृत, बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा, इन तीन जगहों में इसका निर्माण होता है, हेपारिन का निर्माण होता है। दोस्तों हेपारिन का निर्माण कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एंटीकोगुलेंट होता है कौन होता है? हेपारिन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। राज्य का आधार शक्ति नहीं, यह किसका कथन है? TH ग्रीन, ओपन हीमर, जील क्राइस्ट या फिर लास्की? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओपन हीमर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है?
भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय, यानी कि इक्वाटोरियल रीजन में सालों भर बारिश होती है, एक ही जैसा मौसम वहां होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। अक्रिय गैसों की खोज किस, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, प्रिस्ले को, शीले को, केवेंडिस को या फिर रामसे को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रामसे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं या फिर धर्मनिरपेक्षता, या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर प्रोपेन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नवजीवन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल स्पीड को क्या कहते हैं, पवन, वायु धारा, वायु प्रक्षोभ या फिर वायु गतिशीलता। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वायु धारा। दोस्तों वायु की ऊर्ध्वाधर गति यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वायु धारा यानी कि विंड करंट बोलते हैं, जबकि पवन जो क्षैतिज गति वाले वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर या फिर बंगाल पर। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था और उसकी राजधानी तंजावुर थी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राजा राजा राज प्रथम थे जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्जी काय या फिर लाइसोजोम। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजोम, जिसे आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं या फिर इसे एटम बम भी कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, क्या कहते हैं, साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम या प्रशासनिक कानून। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निर्णय विधि। दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। हम फिर कल उपस्थित होंगे 25 सवालों के एक सेट के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। दोस्तों आप हमारा हर वीडियो देखते रहें, आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे क्वेश्चंस, सारे सेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमेशा की तरह आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त करने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का सवाल है आपके लिए कि जावा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज,
प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज या फिर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।